हेलो, आवाज आ रही है अब मेरी? ओके okay. तो आज आपका ये चैप्टर लास्ट करने वाले हैं हम, ठीक है? एंड मोर अबाउट सॉल से स्टार्ट करना है. हाँ हूँ. मेरा कल मेरे को सिर्फ एक कशिश के अलावा किसी ने भी रिएक्शंस लिख के नहीं बताई. कल जब मैंने आपसे बोला था कि आप लोग मुझे ये जो इनके नेम्स बताओगे केमिकल फॉर्मूले लिखकर, वो सिर्फ एक कशिश ने सेंड किए, ठीक है? उसमें कुछ मिस्टेक थी, बट फिर भी एटलीस्ट उसने ट्राई तो किया. सारे गलत नहीं किए उसने, एक दो में कुछ मिस्टेक किए, पर आप में से किसी और ने मेरे को सेंड नहीं किया लिख के. आप लोग क्लास में प्रेजेंट रहते हो या नहीं, या सिर्फ अपना ये ऑन करके बैठ जाते हो कहीं और? देखो, ये जो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना, उनकी किसी की भी मैं ये अटेंडेंस नहीं लगाने वाली हूँ. क्या करते हो इफ्रा नेविस? दोनों एक दूसरे को ज्वाइन तो कर सकते हो ना आप पढ़ाई के लिए. इसको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप समझा दिया करो, उसको हो तो आप दोनों साथ में पढ़ते हो तो ये तो कर सकते हो आप. कल देखो कशिश ने मेरे को जो भेजे थे लिखकर, उसमें क्या क्या गलतियां की थी उसने, ये देख लो आप लोग. उसके बाद हम मोर अबाउट सॉल्व स्टार्ट करेंगे. केमिकल्स फ्रॉम, आज कशिश प्रेजेंट नहीं है. फिर जब कशिश कल क्लास में प्रेजेंट होगी तभी बताऊंगी मैं उसकी गलतियां. उसने कुछ एक मिस्टेक ऐसे की, लाइक अमोनियम क्लोराइड का उसने फॉर्मूला लिखना, तो उसमें ये NH4, मैंने ऑलवेज बोला है आपको ये डिजिट छोटी लिखते हैं, ठीक है? अमोनियम क्लोराइड ऐसे लिखा जाता है. उसने गलती क्या की, उसने इसको ऐसे लिख दिया NH4Cl, तो ऐसा लग रहा है कि ये फोर कोई लेटर है, ठीक है? ऐसे नहीं लिखना है, हमेशा नंबर को ऐसे लिखना है, लोअर में. इस तरीके की गलती है कि ये बाकी सब ठीक लिखा है उसने. KMnO4 का फॉर्मूले में भी उसने यही गलती की है. और बाकी आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या घर पे? और एक बार रिजवाना ने कुछ शेयर किया था मेरे को लिख के, ये जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा वन बाय वन स्कूल आके आप लोग मंडे को, ठीक है? मंडे को 9 o'clock का टाइम दे रही हूँ. पांच पांच लड़कियाँ, ठीक है? फर्स्ट फाइव जो आपकी क्लास में है कोई भी आ जाना रैंडमली, कोई भी आकर मंडे को अपनी नोटबुक चेक करवाने के लिए, ठीक है? मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ. दूसरे टीचर्स आपको जब भी टाइम दे तब आप आ सकते हो. मेरे सब्जेक्ट के लिए किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो स्कूल आ सकता है मंडे को 9 o'clock, ठीक है? मैं आपको यहीं मिलूंगी स्टाफ रूम में. मंडे ट्यूसडे वेनेसडे 3 days है आपके लिए. आप उन तीनों में से किसी भी दिन आकर अपनी कॉपी चेक करवा सकते हो, ठीक है? इन दो चैप्टर्स के लिए. कल संडे है, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके नोट्स मैम कहाँ तक वर्क होना चाहिए दो चैप्टर्स, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड, एक ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा आपके, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मैम PDF शेयर कर सकते हैं क्या? नहीं, PDF शेयर नहीं करना है, स्कूल आना है, ठीक है? PDF किसी और की कॉपी का या किसी और से आप लेकर भी शेयर कर सकते हो. केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम. मैम फादर नहीं है. अच्छा ठीक है, आप PDF शेयर कर देना, ठीक है? बट जो स्कूल आ सकते हैं एटलीस्ट वो आ जाना और आकर अपने आप, कुछ बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ आसपास ही रहते हैं स्कूल के, तो आ सकते हो आप लोग स्कूल के लिए, ओके? केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज. बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड. अब तक मैंने इतनी बार ये रिएक्शन आपकी ब्लैक बोर्ड पर लिख चुकी हूँ कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा. सोडियम क्लोराइड इज बेसिक सॉल्ट, किससे बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH की रिएक्शन से. मैंने आपको बताया था व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर गिव सॉल्ट एंड वाटर. तो सॉल्ट कौन सा बन रहा है? बेसिक NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस
प्लस इसके साथ वाटर भी बनेगा H2O, OH यहाँ से और H यहाँ से, देन NaCl. NaCl इज व्हाट? NaCl इज सॉल्ट. ओके, जब भी व्हेनेवर व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे विल फॉर्म अ सॉल्ट एंड अ वाटर मॉलिक्यूल. ये मैं आपका चैट सेक्शन ऑन कर देती हूँ. ओके, अब ना आप दूसरे और डिफरेंट सॉल्ट के बारे में भी पढ़ोगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड जो है वो कैसे, इसका यूजेस क्या क्या होता है. आप जो घर में खाना बनाते हो, नमक जो यूज करते हो, बेसिकली ये वही वाला सॉल्ट है. ठीक है, और एज अ रॉ मटेरियल बहुत सारे रिएक्शंस में इसका यूज होता है. एज अ रॉ मटेरियल बहुत सारी रिएक्शंस में NaCl का यूज होता है. आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है क्लियरली? नो मैम. आप दिख रहा है? यस मैम. ओके, चलिए. अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल द कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज. ठीक है, डेली यूज में आप जो भी बनाते हो, खाना बनाते हो घर पे, ठीक है, बेकिंग में भी सॉल्ट का यूज होता है. सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड एक डिफरेंट है, ठीक है, क्या है, बेस है. सोडा वॉशिंग ये कहाँ यूज होता है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ. सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका फॉर्मूला है? कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है जो सोप फॉर्मेशन में यूज होता है. ठीक है, बेकिंग सोडा. इसके अलावा आप क्या यूज करते हो? बेकिंग सोडा इनो के अंदर इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3. ठीक है, ये भी बेसिक नेचर का होता है. देन नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा विच इज NaOH. ब्लीचिंग विच वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट. जो सोडा कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है, वॉशिंग में यूज होता है, उसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट. और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट. देखो, एक हाइड्रोजन आने से ये एडिबल हो गया. ठीक है, एक हाइड्रोजन आने से एडिबल हो गया. ये कौन सा सोडा है? वॉशिंग सोडा है, Na2CO3. और सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सा है? बेकिंग सोडा है. ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? बस एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है. देन नेक्स्ट, द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्काली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्काली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, जब आप रिएक्शन करवाओगे किसकी? NaCl की. ठीक है, ये रिएक्शन आपके वाटर के साथ. ठीक है, इट मीन्स वाटर को डिजोल्व कर रहे हो. किसमें? सोडियम हाइड्रो सॉल्ट को डिजोल्व कर रहे हो आप वाटर में. तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? NaOH का. 2 टाइम्स NaOH बेस वापस बन रहा है. 2 टाइम्स NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, अलग हो रही है. चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं. रिएक्शन की बैलेंसिंग चेक कर लो. ऑफ 2 टाइम्स ऑफ H2 और 2 टाइम्स ऑफ NaCl है. ठीक है, और आपको क्या दे रहे हैं? गिव्स 2 टाइम्स ऑफ NaOH एंड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस. अब ये एक एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, जिसमें हमने क्या कर रखा है? सॉल्ट के मिक्सचर का या सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया है, एक्वस सॉल्यूशन, और उसके अंदर क्या लगाए हैं? कैथोड और एनोड लगाए हैं. ठीक है, दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं और इलेक्ट्रोड पर आपने चेक किया है कि कौन सा गैस जो है वो कैथोड पर आ रहा है और कौन सा एनोड पर आ रहा है. ठीक है, तो ये मैं आपको पूरा बनाकर दिखाती हूँ कैसे सेटअप बनाया है और कैसे किया ये एक्सपेरिमेंट. ये कंटेनर है जिसमें दो क्या लगाए हैं? इलेक्ट्रोड्स. ये ब्लैक कलर के जो आपको बुक में दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स. ठीक है,
पॉजिटिव वाला होता है इलेक्ट्रोड टर्मिनल, उसमें उसको कहते हैं हम एनोड, ठीक है। पॉजिटिव वाला क्या है? एनोड। और नेगेटिव वाला कैथोड, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? एनोड। और नेगेटिव टर्मिनल जो है इसका सेल का माइनस वाला छोटा वाला, ठीक है। प्लस वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? टर्मिनल है, ठीक है। दो टर्मिनल होते हैं सेल या बैटरी के, जो दोनों किससे जुड़े हैं? दो इलेक्ट्रोड से, एक कैथोड से और दूसरा एनोड से, ठीक है। ये यहाँ से एक एनोड से जुड़ा है। देन इसके बीच में कौन सी गैस पास हो रही है? क्लोरीन, ठीक है, Cl2। और ब्राइन है यहाँ पर, ठीक है, जिसे आपने एंटर किया है। और सॉल्यूशन किसका फिल किया है? NaCl+ वाटर, ठीक है। किसका सॉल्यूशन बनाया हमने? NaCl का एक्वा सॉल्यूशन। तो इसके साथ क्या है? वाटर है। तो एक गैस कैथोड पर और दूसरी एनोड पर। तो एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी? क्लोरीन। और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। क्यों हो रही है? क्योंकि हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन क्या होते हैं? देखिए ये इस तरह का कुछ सेटअप बना है, इसमें NaOH यहाँ से निकालेंगे हम, ठीक है। देखिए इस सेटअप में देखिए दो इलेक्ट्रोड्स है, इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है उसको कहेंगे एनोड, और नेगेटिव वाले को हम कहेंगे कैथोड, ठीक है। रिएक्शन आपने कौन सी की है? जो अभी मैंने आपको बताई थी, NaCl का क्या किया है? एक्वस सॉल्यूशन बनाया है। और इसमें से किसको पास किया है? जैसे हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल किसको शो कर रहे हैं? सेल या बैटरी को। दोनों इलेक्ट्रोड को किससे ज्वाइन कर दिया है? एक सेल से, ठीक है। सेल के दो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। जो बड़ी वाली डंडी होती है, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी वाली को से नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करते हैं। मैम यू स्किप pH ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अभी हम पढ़ा देंगे pH ऑफ सॉल्ट को, पहले आप इसको समझ लो, ठीक है। इस वो एक्सपेरिमेंट को समझ लो, उसके बाद हम pH ऑफ सॉल्ट डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो एनोड है इस पर कौन सी गैस रिलीज होगी? जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और इस पर क्या लगा दिया है? सेल को लगा दिया है, ठीक है। सेल लगाने के बाद क्या होगा? इसके अंदर आयन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करेगी? क्योंकि हमने H2O में किसको सॉल्यूट किसको यूज किया है? NaCl को। और Na+ और Cl- कैटायन और एनायन, दो आपको आयंस मिलेंगे। इन आयंस की वजह से सॉल्यूशन, पर्टिकुलर दिस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से आपको क्या मिलेगी? दो टाइप्स की गैसेस भी रिलीज होगी इसके अंदर, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगी? हाइड्रोजन आपको पता है कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और क्लोरीन -1 वाला नेगेटिव होता है। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? खुद पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पर जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन कहाँ जाएगी? कैथोड पर रिलीज होगी। और क्लोरीन कहाँ रिलीज होगी? एनोड पर रिलीज होगी, ठीक है। देन इसके बाद हम पढ़ लेते हैं आपका pH ऑफ सॉल्ट, या पहले बेकिंग पाउडर को ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ ले। ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार इसका फॉर्मूला, इसके दो यूजेस और केमिकल फॉर्मूला बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली होता क्या है? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? ये आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया आपको? ओके जखिया, नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ये बुक्स आ जाएगी ना आपकी, तक उसके बाद ना क्लियरली सब वन बाय वन पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। बेसिकली क्लोरीन से बन के मिलकर बना है। मैम O2 क्यों नहीं रिलीज हुआ? O2 किस में पूछ रहे हो आप बेटा? आबरू, उस सॉल्यूशन के अंदर NaCl यूज क्या किया था हमने? NaCl+H2O, ठीक है। ऑक्सीजन तो है ही नहीं, 2x H2O है। ये ऑक्सीजन तो इन्वॉल्व हो गई किसको बनाने में? NaOH बनाने में, ठीक है। देखो H2O का ब्रेकडाउन कैसे होता है? H+
और OH माइनस में, ठीक है। तो दो H प्लस और दो OH माइनस बने, तो ये दो OH माइनस किसके साथ चले गए, दो Na के साथ। ये दो OH माइनस कहाँ चले गए, Na के साथ। तो ऑक्सीजन तो पूरी चली गई सोडियम के साथ, ऑक्सीजन किसके साथ चली गई, NaOH बनाने में यूज हो गई, ठीक है। टू टाइम्स ऑफ NaOH बन गया। अब रिमेनिंग क्या रहा, रिमेनिंग हाइड्रोजन और क्लोरीन ही तो रही है, तो ये दो गैसेस ही बनेगी, ऑक्सीजन तो रह गई नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन तो NaOH बनाने में यूज हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिमेनिंग क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो ये दोनों गैस है और गैसेस का रिलीज हो रही है इलेक्ट्रोड्स पे। समझ में आया आब्रू? इज इट? यस मैम, थैंक यू। ओके, ठीक है। ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गई हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई है। रिलीज क्या होगा, जो रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग क्या बचा है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये एज अ गैस रिलीज जाएगी। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, CaOCl2, इट इज ऑल्सो अ सॉल्ट, जो किससे मिलके बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से प्लस HCl, ठीक है, प्लस HCl, टू टाइम्स आप HCl ये ले लो तो सॉल्ट बन गया। इसके साथ क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। Whenever acid और base react with each other, देखो CaOH क्या है, OH जो भी देता है वो कौन होते हैं, base होते हैं, calcium hydroxide ही है, ठीक है। ये base है और ये क्या है, acid, hydrochloric acid, ठीक है। When both are react with each other, it will form a salt. Salt का नाम क्या है, CaOCl2, ठीक है। इसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर किससे मिलके बना है, HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से दो हाइड्रोजन और यहाँ से दो OH, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, टू टाइम्स H2O। बैलेंस है अब, रिएक्शन चेक करो। इकरा लेकिन मतलब तो ऐसा नहीं होना। हाँ आप लोग लिख दो आप चैट सेक्शन में क्या पूछ रहे हो। मैम बुक में तो है ना HCl की जगह क्लोरीन दिया है। क्या दिया है, HCl की जगह क्लोरीन दिया है, क्लोरीन। आप खुद ही देख लो कैसे बनेगा, अगर क्लोरीन देगा तो सिर्फ ओनली, आप खुद ही चेक करो, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तभी तो H2O बनेगा, ठीक है। हाँ वो तो है पर बुक में समझ में आया आपको, रिएक्शन मैंने जो लिखा है वो करेक्ट लग रही है अब, या फिर बुक वाली? मैम बुक वाली भी गलत नहीं है, बोलिए जकिया, लिख दो आप इसमें बैलेंस्ड है। मैम बुक वाली जकिया, आप चैट सेक्शन में लिख दो क्या पूछ रहे हो। मैम मैं कह रही हूँ ये बुक वाली जो रिएक्शन है ना, उसमें जो अपन ने ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया है ना, उसमें जो भी चीजें बाहर आई, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियरली, आप लिख दो बेटा क्या कह रहे हो, चैट सेक्शन में लिख दो। यहाँ क्लोरीन गैस यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है, ये लिखा है बुक में, क्लोरीन गैस। तो वैसे भी जब HCl का ब्रेकडाउन होगा तो H2 और Cl2 दोनों अलग अलग ही होंगे, ठीक है। दो Cl और दो हाइड्रोजन अलग हुई, दो हाइड्रोजन किसके साथ चली जाएगी, OH के साथ, ठीक है, दो OH के साथ, कैल्शियम और हाँ ऑक्सीजन भी तो है बीच में इन्वॉल्व। देखिए आप, अगर मैं यहाँ पर ले लू Cl2, ठीक है मैम, ब्लॉक वाली रिएक्शन भी सही है, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस से जो भी सब्सटेंस हमें मिला है ना उसे यूज किया है। हाँ ये जो आपके ब्लॉक वाली रिएक्शन हुई उससे जो सब्सटेंस आपको मिला है, कौन सी गैस मिली है, वहां पर आपको क्लोरीन गैस मिली है, जिसकी रिएक्शन आपने किससे करवाई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। क्लोरीन गैस को जब इससे रिएक्शन करवाएंगे, और उससे भी करवा सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी हमने क्या लिया था, NaCl, ठीक है, NaCl और वाटर, NaCl और वाटर से आपको कौन सी गैस मिली थी, Cl2, ठीक है। ये जो Cl2 थी, इसने अगर इसके साथ रिएक्ट किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाया, CaOCl2, बीच में ऑक्सीजन भी है और क्लोराइड। इसको लोकल नेम इसका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, बिकॉज यहाँ पर Cl2
एज अ गैस यूज हो रहा है, ऑक्सीजन इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, और इसके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाएगा। ओ एच टू टाइम्स है, ठीक है। एक ऑक्सीजन अगर यहाँ चली गई तो एक तो रिमेनिंग है, ठीक है, दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन है ओ एच में। एक ऑक्सीजन अगर यहाँ सी ए ओ में चली गई तो रिमेनिंग वन ऑक्सीजन रही जो एच टू ओ बनाने में यूज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट किसका फॉर्मेशन करना है आपको, इसका यूजेस देख लो आप। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कहाँ का यूज होता है, फॉर द ब्लीचिंग कॉटन एंड लीलन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कॉटन और लीलन के, ठीक है, वॉशिंग में, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, वुड पल्प की ब्लीच करने के लिए इन पेपर फैक्ट्रीज, एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में वॉश क्लोथ की ब्लीच करने के लिए जो वाइट कपड़े होते हैं उनको अगर इस क्लोरीन वाले वाटर के अंदर डाल दिया जाता है तो उससे सारी डस्ट और जो उनमें दाग लगे होते हैं वो हट जाते हैं, बिकॉज क्लोरीन क्या करता है, पिगमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द क्लोथ, इसलिए वाइट क्लोथ एकदम क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होता है ये, ठीक है, क्योंकि क्या प्रोवाइड करवाएगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होता है इंडस्ट्रीज में। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म, जो आपके घर पे पीने वाला पानी आता है उसको भी इस क्लोरीन से ट्रीटमेंट करके भेजा जाता है आपके घर पे, ठीक है, ताकि उसके अंदर से जर्म्स क्या हो जाए, किल हो जाए, ठीक है। क्लोरीन क्या करता है, जर्म्स और वायरस जितने भी होते हैं उनको किल कर देता है, बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है क्लोरीन की वायरस और बैक्टीरिया को किल करने में, ठीक है। तो आपके जो सैनिटाइजर्स भी बनते हैं उसमें भी क्लोरीन का यूज होता है। बेकिंग सोडा, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, किससे मिलकर बनता है, NaCl, H2O, CO2 और अमोनिया। देखिए कैसे बनेगा, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के यूजेस तो आपको पता है कहाँ कहाँ होते हैं, बेकिंग के अंदर, ठीक है, घर में क्या क्या बनाते हो, इडली और सब कुछ, उन सब चीजों में यूज होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किस किस से मिलके बना है, NaCl, H2O, CO2, ठीक है, इन तीनों से मिलकर बना है, क्या बना है, NaHCO3, ठीक है, वाटर, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों से मिलकर बना है ये, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, NaHCO3 ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाई CO3 क्या होता है, कार्बोनेट होता है, बाई हाइड्रोजन के लिए यूज हुआ है, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ भी बोल सकते हो इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है इसका नेम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लोकल नेम बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दो यूजेस आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें इनकी ये रिएक्शन अगर याद रखो तो ठीक, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ठीक है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा एंड द टू यूजेस, ठीक है, दो यूजेस पता होने चाहिए इसको, इसके क्या यूजेस हैं इसके इन बेकिंग, बेकिंग इंडस्ट्रीज में, ठीक है, और कहाँ यूज होता है ये, और वेरियस स्वीट्स और ये सब चीजें बनाने में, ठीक है। NaSCO3 को जब आप हीट करोगे, नेक्स्ट जो आपका है धोने वाला सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा वो बन जाएगा। अगर आप इसी को हीट करोगे, यही जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट करके आपको क्या दे देगा, अगर इसको आप हीट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का यूज हो रहा है आपका एज अ वॉशिंग, ठीक है, ये वॉशिंग वाला सोडा है, वॉशिंग वाला सोडा, और यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ठीक है। टू टाइम्स अगर ले लोगे, बैलेंस कर लो इसको, Na2CO3 बन जाएगा, ठीक है, NO2CO3, देन हाइड्रोजन इससे अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका वॉशिंग सोडा। देन नेक्स्ट इसके यूजेस, यूजेस क्या क्या हैं,
द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब आप जो बनाते हो उनमें यूज होता है। समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, कभी कभी कुकिंग को फास्ट करने में भी इसका यूज किया जाता है। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है। NaCl का यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल। रिएक्शन क्या है इसके साथ, कौन इन्वॉल्व रहता है, अमोनिया भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। NaCl H2O CO2, ठीक है, और प्लस अमोनिया NH3, ठीक है, ये सब इन्वॉल्व होगा किसके फॉर्मेशन में, NaHCO3, और इसके साथ बाई प्रोडक्ट कौन निकलता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके साथ बाई प्रोडक्ट कौन रहता है NaHCO3 के साथ, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। कैसे बनेगा अमोनियम क्लोराइड देख लो आप, अमोनिया है यहाँ पर, ठीक है, और एक हाइड्रोजन इसको कहाँ से मिलेगी, वाटर से, ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। एक HCl यहाँ से आया, ठीक है, और ये अमोनिया के साथ बाइंड कर लेगा NH3। NH3 क्या है, आपने एसिड बेस वाली लुईस थ्योरी और पढ़ी नहीं तो आपको पता चलेगा नहीं अमोनिया क्या है। बेसिकली अमोनिया क्या होता है, लुईस बेस होता है, तो ये HCl को ले लेगा, ठीक है, जो लेता है प्रोटोन लेने वाला होता है वो होता है बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन स्टेट। तो यहाँ से जो H+ आएगा वो इसके पास चला जाएगा, और ये जो Cl है, ठीक है, ये H हाइड्रोजन के साथ बाइंड होकर अमोनियम क्लोराइड बना लेगी, ठीक है। देन रिमेनिंग क्या रहा, रिमेनिंग हमारा यही रहेगा सोडियम हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से, दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन इसके पास भी, एक हाइड्रोजन तो स्टिल यहाँ पर है, तो ये हाइड्रोजन और CO, और ये एक ऑक्सीजन CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बैलेंसिंग देख लो इस रिएक्शन की, बैलेंस्ड है या नहीं, और इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो वॉशिंग सोडा बन जाता है, देख लो आप बैलेंस है या नहीं ये रिएक्शन, काउंट कर लो पहले। बैलेंसिंग सीख चुके हो या भूल गए वापस, और वॉशिंग सोडा क्या है आपका, Na2CO3, ठीक है, इसे भी बताने की जरूरत तो नहीं है, सेम फॉर्मूला Na2CO3 वाला, ये ऊपर वाली रिएक्शन Na2CO3 के लिए है। ये देखो आप बैलेंसिंग देखो, या नंबर ऑफ कौन कौन सा एलिमेंट इसमें यूज हो रहे हैं, सोडियम क्लोरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्टेंट में इसका नंबर देखो और प्रोडक्ट में इसका नंबर देखो, रिएक्टेंट में कितना है सोडियम 1, 1, प्रोडक्ट में भी 1, Cl कितना है रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में भी है 1, हाइड्रोजन कितनी है रिएक्टेंट में 2 और 3, कितनी टोटल 5, और प्रोडक्ट में भी देखो कितनी है 4 और 1, 5। इसके बाद कौन है, कार्बन भी है, ठीक है, तो कार्बन हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, कार्बन भी है, कितनी है, एक रिएक्टेंट में और एक ही प्रोडक्ट में, और इसके बाद लास्ट क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर 1+2, 3, 3 रिएक्टेंट में और 3 ही प्रोडक्ट में, ठीक है। तो सारे अरेंज हो गए, इट मीन्स केमिकल रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। मैम बुक वाली रिएक्शन भी सही है, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस से, अच्छा ये तो पुराना वाला मैसेज है, अभी किसने मैसेज किया, रिजवाना ने, ये देख लो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ये इफ्रा और नेविस कहाँ है, प्रेजेंट है या नहीं, यस मैम, देख लो रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई, बैलेंसिंग समझ में नहीं आ रही थी ना आप लोगों को, देख लो किस किस को बैलेंसिंग में कंफ्यूजन है। इसके बाद मैं केमिस्ट्री का चैप्टर नहीं लेने वाली हूँ, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस, कल से हम लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये एसिड बेस सॉल्ट्स क्लियर हो गए आपके, खत्म हो गए आज। देखो जनरली जो सॉल्ट्स की pH जो होती है ना वो 7 के आसपास होती है, ठीक है, तो pH ऑफ सॉल्ट किसके इक्वल होगी, 7 के आसपास होगी, क्यों, क्योंकि एक एसिड और एक बेस दोनों अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो आपको पता है सॉल्ट के साथ और क्या बनता है, वाटर बनता है, और वाटर की pH कितनी होती है, 7 होती है, तो जो सॉल्ट होती है जनरली उनकी pH 7 या 7 के आसपास होगी, ठीक है। तो ये चैप्टर आज मेरी तरफ से यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। बेकिंग सोडा के बाद और कोई है कंपाउंड आपके सिलेबस में,
आफ्टर बेकिंग सोडा और कौन सा कंपाउंड है? वॉशिंग सोडा तो मैंने आपको बता दिया क्या है इसका फॉर्मूला, Na2CO3। इसके अलावा है कोई और? कंप्लीट है ये चैप्टर यहाँ पर आज? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो वापस, इस चैप्टर में कोई डाउट है आपको? ये वाला लिख दो चैट सेक्शन में, क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज नहीं आती है इस क्लास में, तो आप लिख दो चैट सेक्शन। मैम और टॉपिक्स वन हुमेरा, वन मोर टॉपिक इज लेफ्ट। कौन सा टॉपिक रह गया है हुमेरा बताइए, कौन सा टॉपिक लेफ्ट है? यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा तो आपको पता ही होगा, वॉशिंग सोडा। आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, ये बोल रहे हो आप, क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, क्या क्रिस्टल्स जो होते हैं सॉल्ट के वो रियली ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका जब आप क्रिस्टलाइजेशन करते हो तो इसके साथ सॉल्ट भी वाटर भी आने देता है। इसका फॉर्मूला एक्चुअली हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ठीक है, कॉपर सल्फेट जो है CuSO4 जब इसका क्रिस्टलाइजेशन कर दिया जाता है तो इसके साथ क्रिस्टल फॉर्म में वाटर भी रहता है, ठीक है, H2O भी एसोसिएट रहता है जब इसके क्रिस्टल बनते हैं कॉपर सल्फेट के, ठीक है। ब्लूइश कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। ड्राई कंटेन ऑफ वाटर, व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव एंड द सॉल्ट टर्न्स वाइट, ठीक है, ये वाटर रिमूव कर दिया जाता है जब इसको हीट करते हैं, तो ये वाटर क्या होता है, रिमूव्ड हो जाता है और सॉल्ट्स क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं क्रिस्टल्स इसके। इफ यू मोल्टन द क्रिस्टल्स अगेन विद वाटर, जब आप क्रिस्टल्स को अगेन वाटर के साथ मेल्ट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसके साथ वाटर वापस एसोसिएट हो जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला। देखिए ये जो इसके साथ ये नंबर जो होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स का, ये फिक्स्ड होता है, लाइक 5 times H2O एसोसिएट रहेगा इसके साथ, ठीक है, ये नंबर फिक्स्ड रहेगा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का ये रहता है केमिकल फॉर्मूला CuSO4.5H2O, और डिहाइड्रेट कर दोगे तो सिर्फ CuSO4 रहेगा, ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा, इसमें से ड्राई होकर निकल जाएगा, ठीक है। वन अदर सॉल्ट विच पजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम, ठीक है, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 और हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, ठीक है, कैसे बनेगा देखिए, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, हाफ H2O या फिर इसके साथ प्लस 1.5 H2O कर दोगे आप, तो क्या बन जाएगा, 2 times H2O एसोसिएट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपके लग जाती है, तब जो प्लास्टर लगते हैं ना उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस या शॉर्ट में इसका फुल POP बोलते हैं इसको, ठीक है, 1 and 1.5 gives CaSO4 प्लस 2H2O, देखो हाफ प्लस 1 and 1.5 H2O क्या हो जाएगा, टोटल H2O कितना हो गया, 2, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, ठीक है। ये भी एक ऐसा सॉल्ट है जिसके साथ क्या रहता है, वाटर एसोसिएट रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम, क्या बोलते हैं, जिप्सम, POP करवाते हैं ना घर में, जिप्सम वो इसी से होती है, ठीक है, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। नॉट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी एचएस एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, हाउ कैन यू गेट हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल, इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, दो इसके जो है वो किसके साथ एसोसिएट रहेंगे, 2 point लगा कर लिखेंगे यहाँ पर, 2 times H2O, ठीक है, इसके साथ 2H2O ऐसे रहता है, अटैच रहता है क्रिस्टलाइजेशन करने पर जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज मटीरियल्स ऑफ डेकोरेशन, ठीक है, डेकोरेशन में, टॉयज बनाने में, और मेकिंग सरफेस स्मूथ, ठीक है, स्मूथ सरफेस बनाने में। ट्राई टू फाइंड कैल्शियम सल्फेट डाई मिथाइल कॉल्ड प्लास्टर ऑफ हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाफ है, हेमी इट मीन्स हाफ, ठीक है, हेमी हाइड्रेट इसको हम कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर, और
नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे, लाइफ प्रोसेस। मंडे को आप लोग अपनी कॉपी जो स्कूल आ सकते हैं 9:00 आकर आप मेरे को कॉल कर देना आने से पहले, अगर आप आ रहे हो तो ठीक है, मैं आपका वेट कर लूँगी यहीं पे। और अगर नहीं आ सकते तो आप PDF में अपना अपना वर्क मेरे को पर्सनली सेंड करोगे, ग्रुप में नहीं, पर्सनली सेंड करोगे ठीक है। फिर ग्रुप में जो अदर टीचर्स हैं उनके भी फ़ोन में चला जाता है सबके, और फिर इतनी मेमोरी सबकी फिल हो जाती है। तो आप लोग मेरे को पर्सनली अपना वर्क चेक करवाओगे और मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगी कि किस किस ने मेरे को अपना वर्क चेक करवाया। आपको पता है इस साल हमने कॉपी के बेसिस पे ही बोर्ड में मार्क्स दिए हैं, तो आपको भी नेक्स्ट ईयर में भी कॉपी के बेसिस पे इंटरनल की मार्क्स मिल जाएं ठीक है। तो आप लोग अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करके मंडे तक मेरे को चेक करवा देना, आज शाम तक आपको उसके 2nd चैप्टर के PDF मिल जाएंगे ठीक है। नोट्स के क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करना है, नोट्स करने और सिर्फ क्वेश्चन आंसर मैंने 1st चैप्टर में आपको बैलेंसिंग के लिए करने के लिए कहे थे, बाकी वाले आप स्किप कर देना, नोट्स में आपने सब कुछ लिख लिया है ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।